देखिए 1980 में बनी बीजेपी के लिए धारा 370 हमेशा से एक भावनात्मक मुद्दा रहा। एक देश एक प्रधान एक निशाना का नारा 1984 से ही बीजेपी की घोषणा पत्र में देखने लगा। मोदी सरकार के दूसरे टर्म में दोनों सदन से धारा 370 को खत्म करने का एक्ट पास हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। हालांकि इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं हो पाए। जम्मू कश्मीर के पास फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है और उपराज्यपाल के जरिए वहां का शासन चल रहा है। वही धारा 370 खत्म होने के बाद देश में पहली बार लोकसभा चुनाव होने जा रही है और बीजेपी ने इस चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया। वही विपक्ष की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर के सरकार पर निशाना साधा जाता है। अब इसके जवाब में आज प्रधानमंत्री मोदी ने उधमपुर में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे का भरोसा दिया। धारा 370 के खत्म होने के बाद से केंद्र सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर जम्मू कश्मीर में काम शुरू किया। नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। अब जानकारों की अगर माने तो आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में काफी विकास नजर आ रहा है। यही नहीं, घाटी में एक समय पत्थरबाजी की घटनाएं बहुत ज्यादा हुआ करती थी और इस पर मानो लगाम ही फिलहाल लगा हो। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2018 में 1776 संगठित पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, वहीं 2023 से लेकर के आज की तारीख तक ये खत्म हो चुकी है। और इसके अलावा आतंकवादी घटनाएं और सीमा पार से घुसपैठ के मामले अक्सर ही सामने आते रहे। हालांकि अब ऐसी घटनाएं भी कम ही सुनने में आती है और कह सकते हैं कि अनुच्छेद 370 के बाद सूबे में न केवल अलगाववाद और पत्थरबाजी का खात्मा हुआ बल्कि आतंकी संगठनों के भी पैर उखड़ गए। आर्टिकल 370 के बाद केंद्र सरकार ने आतंकी घटनाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। टेरर नेटवर्क नष्ट किए गए, जिसमें बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 से 2022 के बीच आतंकी गतिविधियों में 45.2% की कमी देखने को मिली और इसके साथ ही विदेशी घुसपैठ में भी कमी आई है। वहीं 2018 में 143 मामले सामने आए थे, जो 2022 में घट करके मात्र 14 रह गए। अब जम्मू कश्मीर में 2024 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें उधमपुर में पहले चरण में चुनाव होगा। 2014 और 2019 में उधमपुर में बीजेपी की जीत हुई। दो बार के सांसद जितेंद्र सिंह को बीजेपी ने एक बार फिर से मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस से चौधरी लाल सिंह मैदान में है। अब माना यहाँ ये जा रहा है कि मुख्य मुकाबला इन्हीं दो दलों के बीच में वहां पर होना है।